नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शेट्टी और सिलसिला बाजारों का मैं आज एक बार फिर से लेकर आ गया हूं आप सबके लिए कम्युनिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज हफ्ते के दूसरे कारोबार दिन कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता हुआ नजर आ रहा है और उस पर रूपा मेहता जी की क्या राय है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम यहाँ पे नॉन एग्री कम्युनिटीज में सोने और चांदी से। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस वक्त इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट के अंदर सोना लाल निशान पर $1825 पर और सिल्वर इस वक्त $24.4 पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। हम देख रहे हैं कि सोना और चांदी एक बार फिर से इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट के अंदर उठते हुए नजर आए हैं। दरअसल जब से फेड की बैठक हुई है तो फेड के फैसलों की वजह से सोने चांदी की जो चमक है वो कहीं ना कहीं अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। फेड के फैसलों के बाद ये साफ हुआ है कि फेडरल रिजर्व बैंक और जो अन्य सेंट्रल बैंक है, जो केंद्रीय बैंक है बाकी देशों के, उनको कोई जल्दबाजी नहीं है कि वो ब्याज दरें बढ़ाएं, आराम से फैसला लेंगे, जिसकी वजह से अभी सोने चांदी की जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आई है। हालांकि सोने चांदी का एक थोड़ा सा खतरा है, वो है यूएस ट्रेजरी यील्ड से, यानी कि अमेरिकी बॉन्ड से। अगर उनमें खरीदारी बढ़ गई तो सोने चांदी की कीमतें कहीं ना कहीं फिसल सकती है, लेकिन एक्सपर्ट्स अभी लगातार यही बता रहे हैं कि सोने चांदी की जो कीमतें हैं वो लगातार बढ़ सकती हैं और दिसंबर 2021 तक सोने चांदी की कीमतें अच्छी खासे लेवल्स पर जाती हुई नज़र आ सकती है, क्योंकि इस बार धनतेरस और दिवाली पर सोने चांदी की जो कीमतें हैं वो थोड़ी नरमी के साथ देखी गई थी, सुस्ती देखने को मिली थी, लेकिन जो खरीदारी है वो ज़्यादा बढ़ी है क्योंकि दाम थोड़े कम देखने को मिले हैं। तो निचले स्तर पर खरीदारी ज़्यादा है, जिसकी वजह से एक्सपर्ट्स को ऐसा लग रहा है, गोल्ड सिल्वर के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको अभी हाल फिलहाल में ऐसा लग रहा है कि सोने चांदी में की जो कीमतें हैं वो ज़्यादा खरीदारी के चलते एक नया हाई रिकॉर्ड लेवल पिछले साल के से ज़्यादा अच्छा बनाती हुई नज़र आ सकती हैं। तो सोने चांदी में जो निवेशक हैं अभी हाल फिलहाल में निवेश की ही सलाह दे रहे हैं। बात करें यहाँ से अगर क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल में देख रहे हैं WTI इस वक्त $81 पर है और ब्रेंट क्रूड ऑयल $83 पर। देख रहे हैं कि कच्चे तेल का जो आउटलुक है वो भी ठीक ठाक ही देखने को मिल रहा है। बीते चार नवंबर को दिवाली के दिन बैठक हुई थी ओपेक प्लस और उसके सहयोगी देशों की, जिसमें ये निर्णय लिया गया था कि ओपेक का ऐसा कोई अभी प्लान नहीं है उत्पादन बढ़ाने का। लेकिन कल के कारोबारी सत्र में ओपेक ने एक बयान भी दिया है जिसमें यह साफ हुआ है कि अगर मार्केट की डिमांड ज़्यादा आती है तो ओपेक उत्पादन बढ़ाने पर कुछ फैसला ले सकता है। हालांकि ये डिमांड पर ही निर्भर करेगा, क्योंकि ओपेक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी दिया गया था अमेरिका द्वारा और बाकी देशों द्वारा कि उत्पादन बढ़ाए, क्योंकि उत्पादन कम रहने, डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम रहने की वजह से, सप्लाई सीमित रहने की वजह से जो कच्चे तेल की जो कीमतें हैं लगातार बढ़ती जा रही थी, जिसका असर पेट्रोल डीजल की कीमतों पर पड़ता हुआ नज़र आ रहा था। और दूसरा, ये जो बिजली संकट देखने को मिला है, कोयला संकट है, बिजली संकट है, इसकी वजह से भी क्रूड का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा होने लगा था, क्योंकि फैक्ट्रियों में जो जनरेटर्स होते हैं वो डीजल से चलते हैं, डीजल की खपत ज़्यादा हुई तो क्रूड ऑयल की भी जो डिमांड है वो भी ज़्यादा आने लगी और सप्लाई एक सीमित दायरे में रही, सप्लाई सीमित है, डिमांड ज़्यादा रही, जिसकी वजह से क्रूड के दाम चढ़ गए और उसी का नतीजा हमने भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर पड़ता हुआ देखा। हालांकि पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं सरकार ने उन पर अब कुछ ड्यूटी घटाई है, लेकिन वो चुनाव के लिए करा है, चुनाव आने वाले हैं उसकी वजह से कम किए गए हैं। अब बात करें यहाँ से अगर बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स में देख रहे हैं कॉपर इस वक्त $4.3 पर है और MCX जिंक $276 पर है, लाल निशान पर 0.5% की करेक्शन है। MCX निकल $1509 पर है, MCX लेड $186 पर है। हम देख रहे हैं कि बेस मेटल्स का जो बाज़ार है आज एक नरमी के रुझान के साथ कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है। आपको बता दें कि चाइना में कॉपर का जो डेटा निकल के सामने आया है उसकी वजह से कॉपर को कहीं ना कहीं एक सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आया है, जिसकी वजह से हमने कॉपर को बीते कार्रवाई सत्र में एक अच्छे खासे लेवल्स पर कारोबार करते हुए देखा था। चाइना का जो एक्सपोर्ट का डेटा है, जो निर्यात का डेटा है, आंकड़े निकल के सामने आए वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से कॉपर की कीमतों में एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली थी। और अमेरिका में भी जो जॉब के जो डेटा निकल के सामने आया था वो भी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी अच्छा रहा है। और दूसरा, मेटल्स की जो इन्वेंट्रीज हैं वो थोड़ी लो देखने को मिली है, जिसकी वजह से मेटल्स में, खासकर की कॉपर में, एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी। बात करें यहाँ से जिंक की, तो जिंक में भी लाल निशान पर देख रहे हैं। आपको बता दें कि मंगोलिया में सप्लाई टाइट रहने की वजह से जिंक की कीमतों को
सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। और बात करें निकल की, तो निकल में तेजी देखने को मिली थी क्योंकि एनर्जी सेक्टर से निकल की जो डिमांड है लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही है और जो निकल सल्फेट है उसके जो प्राइसेस हैं वो लगातार कंजस्टेड ही हैं। बात करें एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम में हमने रिकॉर्ड लेवल्स भी आते हुए देखे हैं। एल्यूमिनियम ऐसा धातु है जिसकी जो खपत है वो ऑलमोस्ट सभी इंडस्ट्रीज़ में यू आ रही, सभी इंडस्ट्रीज से निकल के सामने आ रही है। पैकेजिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, काफ़ी इंडस्ट्रीज से एल्यूमिनियम की जो डिमांड है निकल के सामने आ रही है, जिसकी वजह से एल्यूमिनियम की कीमतों को सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आता रहेगा। तो ओवरऑल रुझान जो रहेगा बेस मेटल्स में वो तेजी का ही रहेगा। बेस मेटल्स की जो खपत है अब अगले साल में और ज़्यादा बढ़ जाएगी, उसका क्या रीज़न है वो भी जान लेते हैं। दरअसल अगले नए साल से जो सरकार है वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर ज़्यादा ध्यान दे रही है, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पर, जिसमें कॉपर की खपत वायर्स के यूज़ में, एल्यूमिनियम की खपत बॉडी को बनाने की इस्तेमाल में की जाएगी। तो बेस मेटल्स का जो खपत है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, कंजप्शन बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से कीमतों में तेज़ी का रुझान रहेगा। तो आज के कारोबारी सत्र में नॉन एग्री कम्युनिटीज़ में सोना चांदी, बेस मेटल, कच्चा तेल आदि में क्या करके चलना सही रहेगा, आइए जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एमसी। जी शुक्रिया। रूपा जी देख रहे हैं आज भी सोना $1800 के ऊपर सस्टेन होकर चल रहा है, आपको क्या लगता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या सोना एक बार फिर से $1900 वाले लेवल्स दिखला पाएगा? देखिए अभी तो सेफ हेवन डिमांड जो है एक बार फिर से सोने के अंदर निकलती हुई दिखाई दे रही है, जिसके चलते बाजारों के अंदर तेजी देखने को मिल रही है। और सोना और चांदी अभी फिलहाल अपसाइड मोमेंटम में है और $1820 के ऊपर की सस्टेनेबिलिटी थोड़ा सा बाजारों को और ऊपर ले जा सकती है। और अभी मुझे लगता है कि आज इंट्राडे में हो सकता है कि 1800-1820-30 की रेंज में बाजार फिलहाल घूमता हुआ दिखाई दे। $1840 के ऊपर अगर निकलता है तो इंटरनेशनल मार्केट्स में 1860 से लेकर $1880 के लेवल एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं कि मार्केट दिखला सकती है। वहीं अगर बात करें चांदी की तो चांदी में भी फिलहाल तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है कि दोनों ही कमोडिटीज के अंदर फिलहाल जो मूव है वो पॉजिटिव है, इसलिए इसके अंदर फिलहाल बाइंग करके चला जा सकता है। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट में भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सोना एक बार आने वाले दिनों में 50,000 तक ऊपर जा सकता है। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर जो भी डिप आती है उस डिप के अंदर जो है वो बाइंग करके चला जा सकता है। सोना और चांदी दोनों ही आने वाले दिनों में एक अच्छा मुनाफा देते हुए दिखाई दे सकते हैं। जी ये से रुपये जी नज़र डालें अगर क्रूड की कीमतों पर, तो क्रूड में भी देख रहे हैं अभी भी $83 और $81 पर कारोबार दर्ज किया जा रहा है। और बीते सत्र में बयान निकल के सामने आया है कि अगर मार्केट की डिमांड ज़्यादा आती है, जो कि अभी भी पहले से ही ज़्यादा है, और अगर इससे भी ज़्यादा आती है तो ओपेक उत्पादन बढ़ाने पर कुछ फैसला ले सकता है, आपको क्या लगता है अगर ऐसा होता है तो क्या क्रूड की कीमतें टूटती भी नज़र आएंगी? देखिए अभी जो ये मूवमेंट देखने को मिल रहा है क्रूड के अंदर, बिल्कुल प्रोडक्शन को लेकर अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ऐसा फिलहाल बनता हुआ नजर भी नहीं आ रहा है। लेकिन जो अभी इकोनॉमिक ग्रोथ है, ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ का जो पॉजिटिव साइन आ रहा है वो काफी सपोर्ट करता हुआ एनर्जी सेक्टर को दिखाई दे रहा है। और आगे भी यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो डिमांड है वो लगातार बढ़ सकती है। सप्लाई अभी फिलहाल टाइट है, लेकिन ओपेक देश अगर आगे चलकर प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली एक दबाव जो है वो बनता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें बहुत ज्यादा अगर तेज होती है तो इकोनॉमी के ऊपर काफी असर आता हुआ दिखाई दे सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि अगर प्रोडक्शन बढ़ाने की बात आती है तो प्राइजेस नीचे आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा कहीं बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अभी जो कच्चा तेल है $80 से लेकर $85 की फिलहाल रेंज में कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। और लगातार हम देख भी रहे हैं कि 6000 के ऊपर की सस्टेनेबिलिटी है, आज भी 6064 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऊपर में 6120-6140 ये मैक्सिमम अभी फिलहाल अपसाइड है और नीचे में 6040 है। तो डिप पर इसमें अभी फिलहाल बाइंग की रणनीति लेकर चला जा सकता है। जी ये सिर पर जी बात करें अगर बेस मेटल्स की, तो देखना आज बेस मेटल्स का बाजार कुछ हल्की नरमी के साथ खुला है, लेकिन खबरें ये भी हैं कि मेटल्स की इन्वेंट्रीज लो है। हमने हाल ही में बेस मेटल्स की कीमतों में लगातार हाई बनते हुए देखे हैं। और दूसरा 1 फरवरी 2021 को जब सरकार ने बजट पेश किया था उसमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पर ज़्यादा जोर दिया गया था, और भारत में भी देख रहे हैं कि टेस्ला जैसी कंपनी निवेश कर चुकी हैं, आपको क्या लगता है क्या अगले साल तक बेस मेटल्स की जो खपत है ज़्यादा बढ़ जाएगी और कीमतों में और अच्छी तेजी देखने को मिल पाएगी?
देखिए अभी तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफी जोर दिया जा रहा है, जिसके चलते अभी फिलहाल रुझान जो है वो तेजी का है। चाइना से अच्छी खासी डिमांड निकल रही है, तो अभी हाल फिलहाल में तो तेजी है। आने वाले एक साल में क्या होगा अभी कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ इसके अंदर प्राइजेस के अंदर बूस्टअप आना भी तय है, क्योंकि लगातार डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और जहां तक बेस मेटल की बात है, अभी जो तेजी रिकॉर्ड स्तर छूते हुए बाजार दिखाई दिए थे वहां से फिसल चुके हैं। ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली आते हुए हमने देखी है। कॉपर भी 800 के ऊपर जो चला गया था अब 700 के घरों में कारोबार करता दिखाई दे रहा है। जिंक भी 300 के नीचे लुढ़क चुका है। तो फिलहाल के लिए अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि मार्केट जो है एक रेंज बाउंड हो चुका है, लेकिन अभी भी पोटेंशियल काफी बाकी है। बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी लेकर चले। निकल भी आप कल देखिए 1400 के नीचे था, आज वापिस से 1500 के ऊपर है। तो तेजी है, ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, आने वाले टाइम में भी एक अच्छा रुझान बनता हुआ दिखाई दे सकता है, डिमांड पिकअप हो सकती है। तो मुझे लगता है कि ऊपर में जब तक ऊपर 700 के नीचे सस्टेन नहीं करता तब तक इसमें गिरावट नहीं है। तो जो भी डिप आती है उसमें इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से भी बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के अनुसार आप बाय कीजिए। जब प्रॉफिट आए 20-30 पॉइंट का अपसाइड तो प्रॉफिट लेकर निकलते रहिए, क्योंकि अभी फिलहाल बाजार रेंज के अंदर है, तो ये रेंज बनी रह सकती है और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बाइंग की लेकर चला जा सकता है। जी रूपा जी, नेचुरल गैस में आज इंट्राडे में आपकी तरफ से क्या लेवल्स रहेंगे? देखिए नेचुरल गैस अभी थोड़ा सा मुझे लगता है कि साइडवेज मोमेंटम में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि आगे चलकर जो बाजारों में मुझे लगता है कि गिरावट बढ़ सकती है। 400 के नीचे फिलहाल जाता हुआ दिखाई दे सकता है, अभी 409 के आसपास है, तो 412 और 410 इस रेंज में फिलहाल सेलिंग की कॉल लेकर चला जा सकता है। और मुझे लगता है कि आज जैसे 2.5% की गिरावट है, ये 400 के नीचे लुढ़क सकता है और 380 तक का टारगेट आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। रूपा जी, आपकी तरफ से नॉन एग्री कमोडिटीज में टॉपिक्स क्या रहेंगे आज के लिए? देखिए नॉन एग्री कमोडिटीज की बात करें तो आज मुझे लगता है इंट्राडे में हल्की फुल्की गिरावट सोना चांदी में अगर आती है तो वहां पर बाइंग की रणनीति बनाई जा सकती है। वहीं कॉपर भी आज जो लुढ़का हुआ है नीचे में 732 के आसपास आए तो उसको भी बाय किया जा सकता है। और ऊपर में अगर शॉर्ट टर्म फर्स्ट आपके लिए स्ट्रेटेजी लेनी है तो इसमें सेल कर सकते हैं कॉपर को, और 732 पर इसको अगेन बाइंग की पोजिशन बनाया जा सकता है और ऊपर में 742 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। सेम एज इट इज क्रूड में भी बाइंग की पोजिशन बनाई जा सकती है, 6040 पर 6120 का टारगेट कल तक हो सकता है कि बाजारों में देखने को मिले। तो इन सभी कमोडिटीज के अंदर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी लेकर चला जा सकता है। जी तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज की। तो ये था एक छोटा सा कमोडिटी बाजार का अपडेट। फिलहाल सिलसिला बाजार का हमें अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यहीं बना रहेगा मार्केट एमसीबी पर।